महाराष्ट्र तक दिखा उत्तर भारत की शीतलहरी का असर। मुंबई में 15 डिग्री पर तापमान। मुंबई में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज। बीएमसी का फैसला। 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो सकती है संजय राउत की पत्नी। जांच एजेंसी से मांगी 4-5 दिन की मोहलत। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विरोध करने वालों को भेजा जा रहा है सम्मन। करना हो कर लो, बीजेपी के लोगों ने, अरे आप मेरे का उखड़ लोगे, जाओ बहुत देखे मैंने आप जैसे। भारत में ब्रिटेन से नए कोरोना स्ट्रेन के मरीज की पुष्टि। अब तक 6 सैंपल पॉजिटिव मिले। महाराष्ट्र के 11 सैंपल में से एक मिला पॉजिटिव। बेंगलुरु के निमहांस में 3, हैदराबाद से 2 नए स्ट्रेन मिले संक्रमित। पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 537 नए केस, 6 की मौत। महाराष्ट्र में 19,25,000 के पार आंकड़ा। 3,000 से ऊपर आज नए केस। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों में कोरोना से 69 लोगों की गई जान। 18,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। सिद्धिविनायक मंदिर आई कंगना, पूजा कर कहा गणपति बप्पा मोरिया जय महाराष्ट्र। कंगना ने कहा मुंबई में रहने के लिए मुझे सिर्फ गणपति बप्पा की मंजूरी, इसलिए आई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगे रजनीकांत, फैन से मांगी माफी। रजनीकांत के फैसले के बाद घर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुआ प्रशंसक, पुलिस ने संभाला मोर्चा। पुणे में 26 साल की महिला से दुष्कर्म। ऑनलाइन डेटिंग ऐप टिंडर के जरिए महिला आरोपी से मिली थी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले साल गेटवे ऑफ इंडिया पर फ्री कश्मीर प्ले कार्ड को लेकर प्रदर्शन करने वाली महक मिर्जा को पुलिस की क्लीन चिट। पुलिस ने महक पर लगे आरोप सही नहीं पाए। मलाड़ में कैटरिंग के नाम पर चल रहा था देर रात तक कुक का पार्लर। बॉम्बे SBI और PNB के बैड लोन में तेज गिरावट से बैंकों की बैलेंस शीट की सेहत सुधरने की उम्मीद। लोन रिकवरी राइट ऑफ बढ़ने का असर। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस साल 68,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया, पिछले साल के मुकाबले 35% कम निवेश। फ्यूचर रिटेल ने सीबीसी के रिलायंस के साथ डील को जल्द मंजूरी की मांग। अमेजोन के औरंगाबाद से लटका हुआ है सौदा। प्याज के निर्यात से पाबंदी हटने के बाद 1 जनवरी से सभी वेरायटी की प्याज का हो सकेगा एक्सपोर्ट। प्याज निर्यातकों को मिलेगी राहत। रघुप्रीत हुई कोरोना नेगेटिव, पिछले हफ्ते हुई थी पॉजिटिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। महाराष्ट्र की राजनीति में ईडी की एंट्री ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। बीजेपी और शिवसेना के बीच चल रही जुबानी खींचतान अब और बढ़ गई। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को ईडी दफ्तर में आज पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है। वहीं कल बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकालने वाले संजय राउत के तेवर आज थोड़े से नर्म पड़े हैं। आप उसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैंने इतना खर्चा नोटिस ले लिया है। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ। देखिए आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बालासाहेब ठाकरे का। पहले दिखाए सख्त तेवर, अब नरम पड़े संजय राउत के तेवर। कल बीजेपी पर जमकर भड़के शिवसेना सांसद। ये आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बालासाहेब ठाकरे का। आज जांच में सहयोग की कही बात। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को मिले ईडी के नोटिस ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। संजय राउत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली, तो आज जांच में सहयोग की बात कही। संजय राउत की पत्नी आज जो बुलाया गया था आप लोगों ने वक्त मांगा है? डेफिनेटली हमने वक्त मांगा है। सर कब तक का वक्त मांगा है? 2-4 दिन का वक्त मांग लेंगे हम, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जी, जो भी है हमारे पास उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है पार्लियामेंट के। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पेशे से शिक्षिका हैं, वहीं 3 फर्म में डायरेक्टर भी हैं। वर्षा राउत को ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले के संबंध में भेजा गया है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ये मामला वर्षा राउत के जरिए माधुरी प्रवीण राउत से लिए गए 55 लाख रुपए के एक लोन से जुड़ा हुआ है। ये वर्षा राउत को तीसरा समन था, इससे पहले भी 2 समन भेजे जा चुके हैं जिसमें वो नहीं पहुंची थी। दोनों बार वर्षा राउत की ओर से कोरोना को वजह बताया गया था। तीसरे नोटिस पर न जाने पर वर्षा के खिलाफ ईडी एक्शन ले सकती है। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को बीजेपी की सियासत बता रहे हैं। यही वजह है कि नोटिस की तारीख से ठीक एक दिन पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली।
उद्धव ठाकरे से लंबी जंग के बाद आखिरकार कंगना रनौत मुंबई लौट आई हैं और मुंबई आते ही उन्होंने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। कंगना ने कहा कि उन्हें मुंबई में रहने के लिए गणपति बप्पा की परमिशन चाहिए बस, और किसी की नहीं। उद्धव ठाकरे से अदावत के बाद कंगना रनौत मुंबई पहुंची तो सिद्धिविनायक के दरबार में गई। देखिए, मुझे यहाँ पे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की परमिशन चाहिए और मैंने किसी से कोई परमिशन नहीं मांगी, सिर्फ गणपति जी से परमिशन मांगी। कंगना सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए मराठी मुलगी बनकर पहुंची थी। उन्होंने मंदिर जाने के लिए महाराष्ट्रियन कपड़े पहने थे। कंगना रनौत जब मंदिर गई तो उनके कंधे पर केसरिया रंग का गमछा दिखाई दिया। पिछले दिनों कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच तगड़ी जंग चली। शिवसेना ने कंगना के घर पर बुलडोजर तक चलवा दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 9 सितंबर को कंगना के घर पर बुलडोजर चला था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण था। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए थे। अब कंगना ने अपने टूटे हुए ऑफिस मणिकर्णिका की मरम्मत शुरू करवा दी है और कोर्ट से मुआवजे की मांग भी कर रही है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया पर आरोप है कि उन्होंने कई फाइनेंस कंपनियों के साथ धोखाधड़ी की। वो अपनी कारों को एनबीएफसी बैंकों से लोन लेकर ग्राहक बनकर खरीदते थे और फिर उन्हें तीसरी पार्टी को बेच दिया करते थे। एक ही नंबर की कई कारें बनाते थे। पुलिस का मानना है कि छाबड़िया ने इस तरह हाई एंड कारों पर जीएसटी और ड्यूटी बचाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, सरकार को चूना लगाया। छाबड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारत में दिलीप छाबड़िया का नाम कार डिजाइन के साथ जुड़ा है। अब उनके नाम के साथ जुड़ गया है धोखाधड़ी का मामला, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ने उन्हें गिरफ्तार किया है। माना जाता है कि छाबड़िया ने ही भारत की पहली स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती डिजाइन की थी। छाबड़िया की कारों के ग्राहक कई सेलिब्रिटीज हैं। अब छाबड़िया पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक ही इंजन और चेसिस नंबर की कई कारें बनाई, एनएफबीसी से लोन लेकर अपनी ही बनाई कारों को खुद खरीदा और फिर तीसरी पार्टी को बेचा। इस टाइप का मतलब इसमें दो टाइप के चीटिंग फोर्जरी के ऑफेंसेस प्राइमा फेसी दिख रहे हैं। एक यानी जो सेम इंजन नंबर चेसी नंबर के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस होने की बात सामने आ रही है, और दूसरा सेम गाड़ी के ऊपर मल्टीपल एनबीएफसी से लोन उठाया गया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि 18 दिसंबर को कोलाबा में टू सीटर स्पोर्ट्स कार डीसी अवंती आने वाली है। इस कार के आते ही पुलिस ने इसे कस्टडी में ले लिया। कार के मालिक ने सभी दस्तावेज दिखाए जो सही थे, पर आगे जांच में पता चला कि इसी नंबर की कार हरियाणा और तमिलनाडु में भी है। वो गाड़ी जब्त हुई, उसका डिटेल इंक्वायरी करते करते ऐसे पता चला कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वाहन पोर्टल है उसके ऊपर ये जो तमिलनाडु पासिंग की गाड़ी पकड़ी थी उसके साथ साथ सेम इंजन नंबर और चेसी नंबर की एक हरियाणा पासिंग भी गाड़ी वाहन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। इससे नेचुरली संशय स्ट्रांग हुआ और उसका फिर डिटेल इंक्वायरी करने लगे तो ऐसे पता चला कि इस टाइप के काफी रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। क्राइम ब्रांच को शक है कि छाबड़िया की कंपनी ऐसे ही धोखाधड़ी से 90 कारों को फाइनेंस करा चुकी है और फिर उन्हें ग्राहकों को बेच चुकी है, जो कि जांच के दायरे में है। ये सब हाई एंड कारों पर लगने वाले टैक्स को बचाने के लिए किया गया। पुलिस को शक है कि ये सारा खेल 40 करोड़ रुपए से ऊपर का हो सकता है। पुलिस जांच कर रही है कि आरोपी दिलीप छाबड़िया ने कस्टम ड्यूटी और जीएसटी आदि बचाकर सरकारी खजाने को कितना चूना लगाया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।
नए साल में आपको हमें ये उम्मीद थी कि वैक्सीन से कोरोना को हम मात दे देंगे, हमारा देश इससे जीत जाएगा। नए साल में मास्क के हटने की भी उम्मीद थी, अपनों से दूरी मिटने की भी उम्मीद थी, मगर उम्मीदों के इस रंग में कोरोना ने भंग डाल दिया। ब्रिटेन से लौटे 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया और जो कन्फर्म हो गया है, इस खबर के आते ही हमारे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं। अगर आप में सिम्टम है तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरिएंट भी हो सकता है, बच के रहिए। जिसका डर था वही हुआ। जिस नए कोरोना के हमले के बाद ब्रिटेन में 28 दिन में 71,000 लोगों की जान चली गई, जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन में एक दिन में 43,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिस नए कोरोना की वजह से ब्रिटेन के अस्पतालों में इतने मरीज भर्ती हो चुके हैं जितने अप्रैल में पिछले कोरोना की वजह से भी नहीं थे, ब्रिटेन का वही नया कोरोना भारत में दाखिल हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 70% तेजी से फैलने वाले नए कोरोना से भारत में महामारी फिर से बेकाबू हो सकती है? क्या फिर से देश लॉकडाउन के दौर से गुजरेगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि नया कोरोना ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के जरिए देश में घुस आया। उड़ानों पर 22 दिसंबर की आधी रात से पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उससे पहले आए यात्रियों के साथ नया कोरोना देश में दाखिल हो गया। पाबंदी से पहले ब्रिटेन से भारत आने वाले 114 यात्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उनमें से 6 लोगों में ब्रिटेन का नया वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 6 लोगों में से 3 में नया स्ट्रेन बेंगलुरु की NIMHANS में, 2 हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और 1 पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब में पाया गया है। इन सभी लोगों को संबंधित राज्यों के अस्पतालों में अलग अलग कमरों में आइसोलेट कर दिया गया है। उनके संपर्क में आने वालों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके साथ सफर करने वालों, संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों का पता लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में फैला नया म्यूटेंट कोरोना वायरस का स्ट्रेन अब भारत आ चुका है। विशेषज्ञों का कहना है हालांकि वैक्सीनेशन प्रोसेस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 6 लोग इस स्ट्रेन से पॉजिटिव पाए गए हैं उनको सरकार ने आइसोलेशन में रखा है। सरकार किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती क्योंकि ये नया म्यूटेंट स्ट्रेन 70% ज्यादा इन्फेक्शियस माना जा रहा है। भारत में ब्रिटेन के तेजी से फैलने वाले नए कोरोना की एंट्री से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, ICMR के DG, नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य के साथ ही प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार शामिल हुए। PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि कोरोना का नया स्ट्रेन इतनी तेजी से क्यों फैलता है। अभी स्पाइक प्रोटीन में करीब 17 चेंजेस हैं, उसमें से 8 काफी इम्पोर्टेंट है। ये UK वेरियंट जो है ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, इट इज मोर ट्रांसमिसिबल। नए कोरोना की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब देश पुराने कोरोना के मामलों पर काफी हद तक काबू पा चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम 7,408 मामले हैं। मौत के मामले में भारत में प्रति 10 लाख में 107 मौत के मामले हैं। एक्टिव केस के मामले में भी भारत में 10 लाख में सिर्फ 194 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। वहीं 7 दिन में भारत में 110 नए केस प्रति 10 लाख आबादी पर आए, जो सबसे कम है। वहीं पिछले 7 दिन में प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में 2 लोगों की मौत हुई, जो सबसे कम है। इस बीच वैक्सीन आने की भी उम्मीद है क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, मगर नए कोरोना की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि PM के वैज्ञानिक सलाहकार ने दावा किया कि भारत में आने वाली वैक्सीन नए कोरोना पर भी कारगर होगी। वैक्सीन जो है पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इस वेरिएंट्स जो UK में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है
कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगाह किया है कि फिलहाल किसी भी तरह की ढिलाई महंगी साबित हो सकती है। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नए कोरोना स्ट्रेन से निपटने के लिए हमारे पूरे देश ने तैयारी कर ली है और ब्रिटेन से लौटे करीब 33,000 लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा। उनमें से जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका जीनोम टेस्ट होगा और जो लोग क्वारंटीन से बचने की कोशिश कर रहे हैं वो बच नहीं सकते क्योंकि सरकार के पास उनका पूरा डेटा मौजूद है। ब्रिटेन से 21 दिसंबर को भारत पहुंची ये वो महिला हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल है। दिल्ली पहुंचने पर ये क्वारंटीन से बच निकली और ट्रेन से अपने बेटे के साथ आंध्र प्रदेश में अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही अधिकारियों ने इन्हें ट्रेस कर लिया और ट्रेन से उतार कर उनका कोरोना टेस्ट किया गया। इन्हें न सिर्फ पॉजिटिव पाया गया बल्कि इनमें ब्रिटेन में फैले नए कोरोना का स्ट्रेन भी मिला है, हालांकि उनका बेटा नेगेटिव है। नए स्ट्रेन को लेकर इस बार एजेंसियां अलर्ट हैं। सरकार ने ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए कायदे तय कर लिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 25 नवंबर से 23 दिसंबर की आधी रात तक जितने भी लोग ब्रिटेन से आए उन सभी का कोरोना टेस्ट होगा। जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनका नए स्ट्रेन के लिए जीनोम टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने 25 नवंबर यानी 28 दिन पहले तक आने वालों का टेस्ट कराने का फैसला खास वजह से लिया है। दरअसल कोरोना वायरस 14 दिनों तक किसी व्यक्ति में सक्रिय रहता है। सावधानी के लिए सरकार ने इसका दोगुना समय तय किया है। सरकार के मुताबिक ऐसे करीब 30,000 लोग हैं जो ब्रिटेन से भारत आए थे और उनकी पहचान हो चुकी है। अगर आप में सिम्टम हैं तो आपने टेस्ट कराना है। ये यूके का वेरियंट भी हो सकता है, बच के रहिए। और अगर आप कॉन्टैक्ट है किसी पॉजिटिव केस के तो आपने घर बैठना है जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि आप सेफ हो। देश में नया कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने विदेश यात्रा से आए लोगों में से जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने का फैसला भी किया है। ऐसा इस वजह से क्योंकि कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में भी फैल चुका है। इन देशों से आने वाले लोगों के जीनोम टेस्ट से नजर रखी जाएगी कि कहीं दूसरे देशों से आए लोग नया स्ट्रेन तो नहीं फैला रहे। इवन अदर्स हु आर पॉजिटिव इन द जनरल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 5% ऑफ दैट वुड ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू जीनोम सीक्वेंसिंग। सो दैट शुड आंसर एनी पोटेंशियल क्वेश्चन अबाउट पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग इन टू इंडिया फ्रॉम कंट्रीज लाइक बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दरअसल भारत ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर की आधी रात तक पाबंदी लगा रखी है, जबकि एयर बबल के तहत भारत और कुछ देशों के बीच उड़ानें जारी हैं। ब्रिटेन में नए कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए सरकार वहां से आने जाने वाली उड़ानों पर पाबंदी को बढ़ा सकती है। A slight extension, small extension of the temporary suspension, because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक मिले प्रमाणों से नया कोरोना पुराने के मुकाबले ज्यादा खतरनाक या घातक नहीं है, लेकिन तेजी से फैलता है। इससे अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ सकता है। यूके के वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि इससे ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये ज्यादा घातक नहीं है। अभी तक ऐसा कोई पुरावा हमारे सामने में नहीं है कि ज्यादा लोग इसकी वजह से मर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। लिहाजा राज्य सरकारें भी सतर्क हैं। दिल्ली नए स्ट्रेन से निपटने के लिए तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा दिल्ली में तीन लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस लहर थी, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। इस बार नए साल का जश्न भी नए कोरोना के साए में होगा।
तमाम राज्यों ने नए साल के जश्न पर अलग अलग किस्म की पाबंदी लगाई है। अनलॉक की गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों को छूट है कि हालात बिगड़ने पर वो कड़े कदम उठा सकते हैं। हैदराबाद में आशीष पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।